नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि LED बल्ब को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है और उसकी फॉल्ट फाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक यहाँ पर सूर्या का LED बल्ब है जो कि 9 वॉट का है। तो इसे हम सबसे पहले आपको चेक करके बता देते हैं, ये डेड हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले ये प्लग को इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में लगा लेते हैं। इसके बाद ये हम बल्ब को इसमें होल्डर में कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, ये टोटली डेड हो चुका है। तो आइए अब हम इसमें पता करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। सबसे पहले हम ये डिफ्यूज़र को ओपन कर लेते हैं। ये आप थोड़ा सा प्रेशर देके इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LEDs दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे दो वायर कनेक्ट हैं जो कि अंदर ड्राइवर PCB से आ रहे हैं और यहाँ पे LEDs लगी हुई हैं। सबसे पहले हम आपको इसको टेस्ट करके बता देते हैं। इसको टेस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को हम DC रेंज में लगा लेते हैं। इसको ये हमने 200 वोल्ट DC रेंज में, ये DC का सिंबल है, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम ये सप्लाई इस बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। पिन को हमने इस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसको हम ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टोटली डेड है ये। अभी हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करके देखेंगे। यहाँ पर जो दो वायर आप देख सकते हैं, रेड कलर का और ब्लैक कलर का दिया हुआ है। रेड वाला पॉजिटिव है, ब्लैक वाला नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव वाली प्रॉड है इसको हम ये पॉजिटिव पे रखेंगे और जो नेगेटिव वाली है उसको हम ब्लैक वाले नेगेटिव पॉइंट पे रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 64.8 समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं। आप देख लीजिए 64.86 समथिंग आ रहे हैं। इसका मतलब ड्राइवर PCB से हमारी सप्लाई बिल्कुल बराबर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनमें से कोई ना कोई LED में प्रॉब्लम होगी, या तो वो ओपन हो गई होगी या शॉर्ट है। तो उसे हमें चेक करना है। इसके लिए हम सबसे पहले LED को कोल्ड टेस्ट करके देख लेते हैं। इसके लिए मीटर को हम बजर वाली रेंज में कनेक्ट करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक LED को हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये LED हमारी ग्लो कर रही है, ये सही है, ये भी ग्लो कर रही है, ये ग्लो नहीं कर रही है। और भी हम देख लेते हैं, ये ग्लो कर रही है, ये ग्लो कर रही है, ये सभी LEDs ग्लो कर रही हैं। ये भी ग्लो कर रही है, ये भी ग्लो कर रही है, ये जो LED है ये ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब इसी LED में फॉल्ट है। एक और तरीका हम आपको चेक करके बताते हैं। इसके लिए आप ये अब सीरीज में आप ये सप्लाई कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इसे आप ऑन कर दीजिए और इस प्रकार से एक वायर का एक टुकड़ा ले लीजिए और आप जो भी LED फॉल्टी होगी सभी पे आप इसे रख के आप जब टेस्ट करेंगे तो जो भी फॉल्टी LED होगी उस पर रखने पर आपका LED बल्ब ग्लो करने लगेगा। यदि DC सप्लाई, DC आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है, बराबर वोल्टेज आ रहे हैं, तो आपका इस प्रकार से आप चेक करके पता कर सकते हैं। तो हम इस LED पे रख के देखते हैं, इसके दोनों टर्मिनल पे आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो करने लगा है। इसका मतलब यही LED फॉल्टी है। इसे हम रिपेयर करेंगे, शॉर्ट करके इसको रिपेयर करेंगे। ये हमने सप्लाई डिसकनेक्ट कर ली है। इसके लिए LED को हम यहाँ से
डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं किसी कटर की मदद से, हम इसको हटा लेते हैं। ये हमने एलईडी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल है इनको हम शॉर्ट करेंगे। अब हम इनको सोल्डर के द्वारा डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये इनको शॉर्ट कर दिया है। ये एलईडी के दोनों टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा एलईडी बल्ब पूरी तरह से ग्लो करने लगा है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे किस प्रकार से डेड एलईडी बल्ब को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है और इसकी फॉल्ट फाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।